चाहे लॉकडाउन का समय हो या फिर अनलॉक का, आपको शराब की घर पहुंच सेवा मिल जाएगी। हाँ, ये सुविधा आपको सिर्फ सिवनी जिले के घनसोर में ही मिलेगी। शराब माफियाओं के गुर्गों की टोली अपनी गाड़ियों से शराब घर घर उपलब्ध कराने का काम कई महीनों से कर रहे हैं। आबकारी और पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है, लेकिन अपनी रसूखदारी और अच्छी सेटिंग के चलते कार्यवाही होना नामुमकिन है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार के गुर्गे गाँव गाँव के अलावा अपनी लग्जरी गाड़ियों में शराब भर कर छत्तीसगढ़ तक पहुँचा रहे हैं। हम आपको बता दें कि आबकारी विभाग तो हमेशा की भांति ही गहरी नींद में सो रहा है, लेकिन स्थानीय पुलिस और शराब ठेकेदार से कुछ ज़्यादा ही मधुर संबंधों की धुन सुनाई दे रही है, जिसके चलते कार्यवाही होना संभव नहीं लगता। हम आपको बता दें कि सारे घनसोर क्षेत्र में इन दिनों शराब ठेकेदारों द्वारा गली मोहल्लों में मानो शराब की दुकान खोल दी गई है। बावजूद इसके कार्यवाही न होना कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। घनसोर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। से यह मामला घनसोर में चर्चित है कि जो शराब दुकान के लगभग जो कर्मचारी हैं, इनके जो मालिक हैं, अन्य अन्य गाँव में लग्जरी वाहन से शराब भिजवाई जा रही है, जिसमें नौ युवकों को शराब पीने की लत और बेचने की लत लगी जा रही है। और दूसरा बाहर से भी शराब, अन्य जिलों से भी शराब जो है घनसोर और घनसोर से अन्य जिलों में शराब भेजी जा रही है, जिसकी शिकायत हमने संबंधित अधिकारी जो है आबकारी विभाग के अधिकारी उनसे लगातार कई बार की, मगर आज तक कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई और बेढोंग शराब बिक्री आस पास के गाँव में चालू है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।